बैठो। थोड़ी मैं नहीं बैठती समझ आ गई पहले उसे मेरे हाथ पास की जरूरत नहीं है। गुरु प्यारी साहब सुंदर जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। और भी आप जी राम के लिए जुगाड़ कर लो जी। गुरविंदर कौर जी आप जी श्लोक मोहल्ला नौ कर लो जी। रविंदर जीत कौर जी आप जी शब्द हारे कर लो जी। हरप्रीत कौर जी आप जी शब्द निकासित कर लो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की वाहेगुरु 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 सलोक गुरे माता गुरे पिता। वाहिगुरु जी मेरी बारी है ना। हाँ जी हाँ जी कर लो तो शोभा नामा कर लो। वाहिगुरु जी डिस्टर्बेंस है किदी टर्न है मेरी है ना तुसी पढ़ लो। नहीं आप जी अच्छा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन गुरुदेव बंद सहोदरा गुरुदेव दाता नाम उपदेशे गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव सात सत बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान भजन परंपरा गुरुदेव करता सपाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप धरा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा अमूर पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा। एहो श्लोक आदि अंत पढ़ना। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी राम कली की वार राय बलवंत तथा सतै डूम आखी एक ओंकार सत्य प्रसाद नाव करता का दर करे क्यों भूल होवे जोखी बदै
दे गुणा सत पैन पराव है पारंगत दान पड़ी बदै नानक राच लाया सच कोट सतानी नीव दे लहने तरियों छत सिर कर सिपी अमृत पीव दे मत गुर आत्म देव दी खड़क जोर पराक हुए जिया दे गुर चेले रह रास की गुर चेले रह रास की नानक सलामत थीव दे सैटिका दी तोस जीव दे लहने दी फेराये नानका दोही खटिये जोत पोहा जुगत साए सहकाया फेर पलटिये चूल्हे सुछत निरंजनी मल तखत बैठा गुर हटिये करहे जे गुर फुर माया सिल जोग अलूनी चटिये लंगर चले गुर सबद हर तोटना भी खटिये खर्च दीत कसम दी आप खह दी खैद बटी है हो वै सिफत कसम दी नूर अरसों कुरसों चट्टी है तुद डिठे सच्चे पात शाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है सच जे गुफुरमाया क्यों एदो बोलो हटी है पुत्री को न पालो कपीरो कन मुरट्टी है दिल कोटे आखी फिरन बन पार उचैन छट्टी है जिन आखी सोई करे जिन कीती तीने थट्टी है कौन हारे किन उवट्टी है जिन कीती सो मनना को साजिवा है साली तमराय है देवता लै गला करे दलाली सतगुर आखे सच्चा करे सब बात होवे दरहाली गुर अंगद दी दोही फिरी सच करते बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तखत बैठा सह डाली दसे वे उमत खड़ी मस्कल हुए जंगाली दर दर वेश खसम दे नाय सच्चे बाणी लाली बलवंड कीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पत्राली लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर के आली गुरसिखा के मुख उजलै मन मुखतिये पराली पए कबूल खसम नाल जा काल मर्दी काली माता खीवी सहो सोए जिन हो गोए उठाली ओयो गंग वहाइये दुनिया ही आखे के ज्ञान नानक ईस जगनाथ ओ चै दीवैन वीर क्यों वदाना पर्वत कर नेत्र बास्त शब्द रिड़ क्यों चौदे रतन निकालियन कर आवागौन चिल क्यों कुदरत ए विखालियन जिन एवड पिड टिन क्यों लहने तरियोन छत्र सिर आसमान के आड़ा छिकियान जोत समानी जोत माए आप आपे सेती मिक्योन सिखा पुत्रा कोख कै सब उमत वेको जे क्यों जा सुदोस्ता लहना टिकियान फिर वसाया फिर वान सतगुर हाडूर जप तप संजम नाल तुद होर मुच गारूर लब विनाए मानसा जो पानी बूर वरिय दरगै गुरु की कुदरती नूर जित सो हाथ लबई तू ओ हो ठारूर नौ निद नाम निधान है तुद विच भरपूर निंदा तेरी जो करे सो अंजै चूर नेड़े दिसे मात लोक तुद सुजै दूर फिर वसाया फिर वान सतगुर खाडूर सो टिका सो बहना सोई दीमान प्यो दादे जे बया पोता परवान जिन वास्त नेत्रे कत्या
कर नेहितान जिन समुंद विरो लिया कर मेरु मदान चौदे रतन निकालियन तितों चाणान कोड़ा की तो सहज दास जत कियो पलान तनक चढ़ायो सतदा जस हंदा बान कल विच तू अंधार सा चढ़या रे पान सत्तो खे जमायो सत्तो छावान नितर सोई तेरी है क्यों मैदा खान चारे कुंडा सुजियो मन में सबद परवान आवा गो निवार्यो कर नद निशान अतरिया अतार ले सो पुरख सुजान चखड़वा न ढोली पर्वत मेरान जाने विरथा जिय की जानी हूँ जान क्या सलाही सच्चे पात साहा जा तू सुगड़ सुजान दांजे सतगुरु पावसी सो सत्य दान नानक हंदा छत्र सिर उम्मत हैरान सो टिक्का सो बहना सोई दीवान प्यो दादे जे व्या पोत्रा परवान तन तन रामदास गुरु जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिर जन हारे धारिया सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथा अतोल तू तेरा अंत न परवारिया जिन्नी तू सेव्या पाओ कर से तुद पार उतारिया लब लोभ काम क्रोध मोह मार कड्डे तुद सपरवारिया तन सो तेरा थान है सच तेरा पैसकारिया नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया गुडिठा ता मन साधारिया चारे जागे चौजुगी पंजायन आपे हुआ आपे ने आप साजियन आपे ही थम खलोआ आपे पट्टी कलम आप लिखन हारा हुआ सब उमत आमन जामनी आपे ही नवा निरोआ तखत बैठा अर्जन गुरु तखत बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खीवे चंदोआ उगवणो तै आथ बनो चौचकी कियन लोआ जिनी गुरु ना सेवियो ना सेवियो ना सेवियो जिनी गुरु ना सेवियो मन मुखा पया मोआ दूनी चोनी करामात सच्चे का सच्चा टोआ चारे जागे चौजुगी पंचायन आपे हुआ चारे जागे चौजुगी पंचायन आपे हुआ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह इक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला नावा गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन कहो नानक हर पज मना जय बिद जल को मीन भिखियन स्यों काहे रचो निमख ना होए उदास कहो नानक पज हर मना परे न जम की फांस तरना पोयो ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक पज हर मना ओद जात है बीत बिरद पयो सूजे नहीं काल पहुंचो आन कहो नानक नर पावरे क्यों ना पजे भगवान तन दारा संपत सगल जिने अपनी करमान
इनमें कछ संगी नहीं नानक साची जान। पतित उधारन पै हरन हर अनाथ के नाथ, कहो नानक ते जानिए सदा बस्त तुम साथ। तन तन जय तो को दियो तांस्यो ने हो नकीन, कहो नानक नर पावरे अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपे सुख दियो अरजे नीके ताम, कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए, कहो नानक सुन रे मना तै सिमरत गत होए। जय सिमरत गत पाये तै पज रे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना ओद घटत है नीत। पांच तत् को तन रचो जानो चतुर सुजान, जय ते उपजो नानका लीन ताहे मैं मान। कट कट में हर जूब से संतन कहो पुकार, कहो नानक तै पज मना पौनिद उतरे पार। सुख दुख जे पर से नहीं लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। उस्तत निंदया नाहे जे कंचन लो समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जाके नहीं बैरी मित समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। पै काहू को देत ने पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। जय बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना तै नर माथे पाग। जय माया ममता तजी सब ते पयो उदास, कहो नानक सुन रे मना तै कट ब्रह्म निवास। जय प्राणी हो में तजी करता राम पछान, कहो नानक वो मुकत नर ए मन साची मान। पैनासन दुर्मत हरन कल में हर को नाम, निस दिन जो नानक पजे सफल होए तै काम। जे बागुन गोविंद पजो करन सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना परे न जम के ताम। जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपन तरे ओ नन लेत उधार। जो सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जय चीत। जैसे जलते बुध बुदा उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चेतई मद माया के अंध, कहो नानक बिन हर भजन परत ताए जम फंद। जो सुख को चाहे सदा सन राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे। माया कारण तावई मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजे रूप राम तै जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया में फद रहो बिसरो गोविंद नाम,
कहो नानक बिन हर भजन जीवन कोने काम। प्राणी राम न चेतई मद माया के अंध। को नानक हर भजन बिन परत ताए जम फंद। सुख में वो संगी पे दुख में संग न कोए। को नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म प्रमत फिरो मिट्यो न जम को त्रास। को नानक हर भज मना निरपे पावे बास। जतन बहुत में कर रे ओ मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फत्यो राख लो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान। को नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करनो हो तो सो ना कियो परयो लोभ के फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया में रम रयो निकसत नाहिन मीत। नानक मूरत चित्र ज्यो छाडित नाहिन पीत। नर चाहत कचोर ओरे की ओरे पई। चितवत रयो ठगोर नानक फासी गल परी। जतन बोत सुख के किए दुखो कियो न कोए। को नानक सुन रे मना हर पावे सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम। को नानक मन सिमरते पूरन होवे काम। झूठे मान कहाँ करे जग सुपने ज्यो जान। इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देखो बिन से छिन में मीत। जे प्राणी हर जस कहो नानक तै जग जीत। जय कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जय प्राणी के नाहे मन। जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को ग्रह जो सदा स्वान तजत नहीं नित। नानके बिद हर पजो इक मन हो इक चेत। तीरथ बर्त अरदान कर मन में तरे गुमान। नानक ने फल जात ते जो कुंचरी स्नान। सिर कंप्यो पग डग मगे नैन जोत ते हीन। को नानके बिद पई तो न रसलीन। निज कर देखो जगत में को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है तेरा को मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान ले ओ रे मीत। कह नानक थिर ना रहे जो बालू की पीत। राम गयो रामन गयो जाको बो परवार। को नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यो संसार। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दोरा बल छुटके ओ बंधन परे कछु न होते उपाय। को नानक अब ओट हर गज ज्यो हो सहाय। बल हो आ बंधन छुटे सब किछ होते उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होते सहाय।
संग सखा सब तज गए को नन बयो साथ को नानक के विपत में टेक एक रघुनाथ नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद को नानक के जगत में किन जप्यो गुरमंत राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोए जैसे मरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोए जैसे मरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह शब्द हजारे माज महला पंचमा चौप दे कर पहला मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिलप करे चात्र की न्याई त्रिखा न उतरे सांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हो कोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सहावा जियो सहज तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी तन सो देश जहां तू बसिया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हो कोली हो कोल कमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ एक कड़ी न मिलते ता कल युग होता हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता मोहे रहण न बिहावे नींद न आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हो कोली जियो कोल कमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ भाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ विनाशी कर में पाया सेव करी पल चसा न बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हो कोली जियो कोल कमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ तनासरी महला पहला कर पहला चौप दे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत युनी सह पंगुर प्रसाद जियो डरत है अपना कैसे ओ करी पुकार दुख बिसारण सेविया सदा सदा दातार साहेब मेरा नीत नमा सदा सदा दातार रहाओ आन दिन साहेब सेविय अंत छड़ाए सोए सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए दयाल तेरे नाम तरा सद कुरवाने जाओ रहाओ सरबंग सच्चा एक है दूजा नाही कोए ताकि सेवा सो करे जाको नदर करे तुद बाज प्यारे के रहा सा बड़ियाई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए जिस आगे प्यारे जाए कहा रहाओ सेवी साहेब अपना अवर न जाचो कोए नानकता का दास है बिंद बिंद चुक चुक होए साहेब तेरे नाम बिटो बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ तिलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद यो तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जय जाए हों कुरबाने जाओ मेहरबाना हों कुरबाने जाओ हों कुरबाने जाओ तिना कह लैन जो तेरा नाम लैन जो तेरा नाम तिना कह हों सद कुरबाने जाओ रहाओ काया रंगन जे थिए प्यारे पाइये नाम जीठ रंगन वाला जे रंगे साहेब ऐसा रंग न डीठ जिनके चोले रतड़े प्यारे कांत तिना के पास तूड़ तिना की जे मिले जी को नानक की अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक का मन कंते पावे आपे ही रावे तिलंग महला पहला
या नड़िए मानड़ा काए करे आपनड़े कर हर रंगो की ना माने सो नेड़े तन कमलिए बाहर क्या टूडे पै किया देहे सलाइया नैनी पाप का कर सिगारो ता सुहागन जानिए लागी जा सो तरे प्यारो न्याणी बाली क्या करे जा तन कंत न पावे करण पला करे बो तेरे सा तन महल न पावे बिन कर्मा किछ पाइए नाही जे बो तेरा तावे लाभ लोभ अहंकार की माती माया माहे समाणी इनी बाती सो पाइए नाही पई कामणे आनी जाए पुछो सुहागणी वाहे किनी बाती सो पाइए जो किछ करे सो भला कर मानिए हिकमत हुकम चुकाइए जाके प्रेम पदार्थ पाइए तो चरणी चित लाइए सो कहे सो कीजे तन मनो दीजे ऐसा परमल लाइए एव कहे सो हागणी पैने इनी बाती सो पाइए आप गवाइए ता सो पाइए और कैसी चतराई सो नजर कर देखे सो दिन लिखे कामण नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती एहन सपाए समाणी सुंदर साए स्वरूप बिचखण कहिए सा स्याणी सुही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराफ बुलावा कौन गुरु के पै दीख्या लेवा कै पै मुल करावा मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तू जल थल मई अल भरपुर लीना तू आपे सर्व समाना रहाओ मन तराजी चित तुला तेरी सेव सराफ कमावा कट ही पीतर सो सो तोली इन विद चित रहावा आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा आपे देखे आपे बूझे आपे है बनजारा अंधला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे ताकि संगत नानक रहदा क्यों कर मूड़ा पावे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निरवैर अकाल मूरत युनी सहपंगुर प्रसाद राग बिलावल महला पहला चौप दे कर पहला तू सुल्तान कहा हो मिया तेरी कवन बड़ाई जो तू देहे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कह न जाई तेरे गुण गावा देहे बुझाई जैसे सच में रहो रजाई रहाओ जो किच होआ सब किच तुझते तेरी सब असनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहिब मैं अंधले क्या चतराई क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं कथ न कथ न जाई जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी बड़ियाई एते कुकर हो बेगाना पौका इस तन ताई भगत हीन नानक जे होएगा ता खसमे नौ न जाई बिलावल महला पहला मन मंदर तन बेस कलंदर घट ही तीरथ नावा एक बस एक शब्द मेरे प्राण वस्त है बहड़ जन्म न आवा मन बेद्या दयाल से ती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई रहाओ अगम अगोचर लख पारा चिंता करो हमारी जल थल मही अल पर पुरलीना कट कट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर शावा तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरण तुम्हारी सर्व चिंत तुद पासे जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे
जी जंत सब कर्मचारी सर्व चिंत तुद पासे जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी रहरा साहिब जी हर जुग जुग भगते उपाया पैज रखदाया राम राजे हर नाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। चल बोल फिर जब तक खाना बच्चा खाने चले गए तक। पंजी माइक बंद करना। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदाया राम राजे हर नाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अंकारियां निंदका पिट दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंतले छड़ाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख दारू सुख रोग पिया जा सुख ताम ना हुई तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना हुई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या राव जात में जोत जोत में जात में जोत जोत में जाता कल कला भरपूरिया तू सच्चा साहिब सिर सवाल्यो जिनकी तीसो पार पया को नानक करते किया बाता जो किच करना सो कर रहा सो दर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सोदर तेरा केहा सोगर केहा जित बै सर्ब माले वाजे तेरे नाथ अनेक असंखा केते तेरे गावन हारे गावन तुदनु पवन पानी बैसंतर गावे राजा तरम द्वारे गावन तुनु चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे गावन तुनु ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन तेरे सदा सवारे गावन तुनु इंद्रासन बैठे देव ते आदर नाले गावन तुनु सिद्ध समाधि अंदर गावन तुनु साध विचारे गावन तुनु जति सती संतोखी गावन तुनु वीर करारे गावन तुनु पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुनु मोहनिया मन मोहन सुर्ग मच प्याले गावन तुनु रतनु पाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले गावन तुनु जोध महाबल सूरा गावन तुनु खानी चारे गावन तुनु खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनु गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनु गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी ओ सी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिनू पाई कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष पावे सोई कर सी फिर हुक्म न करना जाई सो पात सा सहा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोय की केवड़ वड्डा ढीठा होए कीमत पाए न के आ जाए कहने वाले तेरे रे समाए वड्डे मेरे साहिबा गैर गंभीरा गुनी गहीरा कोय न जाने तेरा किता केवड़ चीरा राव सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कह न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुदविन सिद्धि किने ना पाईया करम मिले ना ठाक रहाईया आखन वाला क्या विचारा सिरती परे तेरे पंडारा जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक सच सवारन हारा समला पहला आखा जीवा विसरे मर जाओ आखन ओखा साचा नाओ साचे नाम की लागे भूख उत भुखे खाई चलिए दुख सो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाई राह साचे नाम की तिल वड्याई आख तके कीमत नहीं पाए जैसा मिलके आखन पाए वडा ना होवे काट ना जाए ना होए मरे ना होवे सो देदा रहे ना चुके पो गुन एहो होर नाई कोय ना को हो आ ना को होए जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात जिन दिन करके की तीरा कसम विसारे ते कमजात नानक नावे बात सनात रा गुजरी मल्ला चौथा हर के जन सतगुरु सतपुरखा
बिनो करो गुरुपास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहो, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर 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 रस नाम न पाया, ते पागहीन जमपास, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिक जीवे त्रिक जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सत्संगत जित हर रस पाया, मिल जा नानक नाम प्रगास, राग गुजरी मल्ला पंजवा, काहे रे मंचित वै उद्दम, जा आहर हर ज्यो परया, सैल पत्थर मैं जन तू पाए, ताका रिज कागे कर तरया, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरया राव, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भो करया, उड़े उड़ावे से कोसा, किस पाछे बचरे चरया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरया, जन नानक बल बल सद बल जाइये, तेरा अंत ना पारा वरिया, राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम पारा, सब त्यावे तुझी, हर सच्चे सिरजन हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जी आका दातारा, हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारन हारा, हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना, एक दाते पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना, तू आपे दाता आपे पुक्ता जी, हो तुद बिना वरना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुनाक वखाना, जो सेवे तुझी, जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्यावे तुझी, से जन जुग में सुखवासी, से मुकत पे जिन हर त्याया जी, तिन तुट्टी जम की फासी, जिन हर निर्बो त्याया जी, तिन का पो सब गवासी, जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुझी, हर अनिक अनेक अनंता, तेरी अनिक करे हर पूजा जी, तप तापे जपे बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमृत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़ अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहचल करता सोई, तुझे आपे पावे सोई वरते जी, तू आपे करे सो होई, तुझे आपे श्री सब उपाए जी, तुझे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जान होई, आसा महला चौथा, तू करता सचे आर मेंडा साई, जो तू पावे सोई तीसी, जो तू दे सोई हो पाई राव, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुदे आप विछोड़े आप मिलाया, तू दरे आओ सब तुझ ही माए, तुद बिंदु जा कोई ना, जी जन सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनों तू जानाए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आक वखाने, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जा वरना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा मल्ला पहला, तित सरवड़े पेले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा ते डूबे ले, मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया राव, ना हो जती सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म पिया, प्रणत नानक तिन की सरना, जिन तू ना ही विसरिया,
ना हो जती सती नहीं पढ़िया मूरख मुगदा जन्म पिया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नाही विसरिया आसा मल्ला पंजवा भई प्राप्त मानुक देवरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत बज केवल नाम सरम जाम लाख पवजल तरन के जन्म बिरथा जात रंग माया के राह जप तप संजम तरम ना कमाया सेवा साध न जान्या हराया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा जप तप संजम तरम ना कमाया सेवा साधना जान्या हराया को नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुन राक्षस का काटा सीसा सिरियस के जगत के ईसा पोपन दृष्ट गगन ते पई सभिन आन बधाई दे धन्यन धन्यन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा अकल पवन के सिरजन हारे दास जान मोह लेओ हुबारे पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती चौपे हम भी करो हाथ दर अच्छा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबे तुम काओ आप हाथ दे मोहे बचाओ सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तरिए चुन चुन सत्र हमारे मारिए आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए पूजो सदा हमारे पच्छा श्रीअस दूजो करे और अच्छा राख ले मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर दसकंता काल पाए ब्रह्मा बप्तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योति हो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताई हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आदंते के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो कटकट के अंतर की जानत पले पुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरे अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने गड़ गड़ के पट पट की जाने जब उदगरत करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब बा करक करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे दर सब हूँ जेते बदन से सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत पेद पेद अरालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नील अनाद असंभ ताका मूल चारत पेदा जाको पेव न पावत पेदा ताको कर पाहन मानत महामूढ़ कच भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पिव आप अपनी बुद है जेती बरनत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कैबिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक बेओ राव कही रूपा अंडा जे रसे तजकीनी उत्बुज खान बहु रजदीनी को फूल राजा बैठा कहो सिमट पे शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगा स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सगल मलेच करो रनगाता जे अस्तु तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुगध मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न ऐ है रच्छा होए ताई सब काला दुष्ट अरिष्ट रे तत्काला कृपा दृष्टन जाहि न्यरे हो ताके ताप तनक मोहरे हो
रिद्ध सिद्ध गर्मो सब होई, दुष्ट छाव छुए सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें सुबारा, काल फास्ते ताई उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा। खड़क के तमें सरन तिहारी, आप हाथ दैले उबारी। सर बिठोर मोहो सहाय, दुष्ट दोख ते ले ओ बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता। किल बिक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को छह करता। श्री अस दूजा पय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन वाचत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो याए, सुरस ना पावे। सुने मूड चितलाए, चतुरता आवे। दुख दर्द पो निकट न तिन नर के रहे। हो जो या की एक बार चौपाई को कहे। दुख दर्द पो निकट न तिन नर के रहे। हो जो या की एक बार चौपाई को कहे। चौपाई संबत सत्रे सहस पनीजे, अर सहस पुन तीन कहीजे। पादरव सुधी अष्टमी रवारा, ती सतुद्रव ग्रंथ सुधारा। इति श्री चरित्रो पख्याने, त्रिया चरित्रो मंत्री भूप संवादे। 405 चरित समाप्त, मस सब मस्त अफजू। दोहरा दास जानकर दास पर, कीजे कृपा पार। आप हाथ दे राख मोहे, मन कर्म वचन विचार। चौपाई मैं नगने से प्रथम मनायो, किसन बिसन कबू नहीं त्यायो। कान सुने पहचान न तिन सो, लिव लागी मोरी पग इन सो। महाकाल रखवार हमारो, महा लेओ मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखवार, बाए गए की लाज विचार। अपना जान मुझे प्रति परिये, चुन चुन सत्र हमारे मरिए। देख देख जग मैं दो चले, राख आप मैं और न दले। तुम मम करो सदा प्रतिपारा, तुम साये मैं दास तिहारा। जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आप पे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करो मुहे, हार परा मैं आन द्वार तो ही। अपना जान करो प्रतिपारा, तुम साए मैं किन कर थारा। दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम तरो भगवंत को त्याना, बहुर करो कविता बिदनाना। किशन जथा मचरित उचारो, चुक होए कब ले सुधारो। कभी बाज दो दोहरा, जो निज प्रभ मो सो कहा, सो कहियो जग माए। जो तय प्रभ को त्याए है, अंत सुरक को जाए। दोहरा हर हर जन दो एक है, भी विचार किछ नाए। जलते उपज तरंग जू, जल ही बिखे समाए। दोहरा जब आयस प्रभ को पे हो, जन्म तरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप तो, सबहू कहत सुनाए। कभी बाज दोहरा, ठाड़ पे हो मैं जोर कर। बचन कहाँ सिर न्याय, पंथ चले तब जगत में। जब तुम करो सहाय दोहरा, जो जो तुमरे त्यान को नित। जय जय तुमरे त्यान को नित, उठ्याय हैं संत। अंत लेंगे मुक्त फल, पावेंगे भगवंत। दोहरा काल पुरख की देह में, कोटक बिसन महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा किते, रव सत क्रोर जलेस। दोहरा राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई पाखत नेत। सुरग बास रघुवर करा, सगरी पुरी समेत। चौपाई जो एक कथा सुने अर गावे, दुख पाप तै निकट नावे। बिशन पद की ये फल होई, आद ब्याद छु सके न कोई। संबत सत्रे सहस पचावन, हाड़ वदी प्रीतम सुखतावन। तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, फूल परी लेहो लेहो सुधारा। दोहरा नेत्र तुम के चरण तर, सतुद्रव तीर तरंग। श्री भगवंत पूरन कियो, रघुबर कथा प्रसंग। दोहरा साध साध जानो नहीं, बाद सुबाद विवाद। ग्रंथ सकल पूरन कियो, भगवंत कृपा प्रसाद। सोइया पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र भेद सबे, बो बेद कहे हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न गयो सब तोए वखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गयो तुहारो द्वार। बाहे गए की लाज अस, गोबिंद दास तुहार।
सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहीं गए की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद क्योंकार सतगुरु प्रसाद अनंत पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहसे ती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दोता गाओ हरी केरा मंजनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रो हर नाले हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं गर तेरे गरता तेरे सब किछ है जिस देवे सो पावे सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं गर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाहिया करसान सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पूजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस्ती आए वडियाईया कहे नानक सुनो संतो सब तरो पे आरो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंचशब्द तित कर सबागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पाइंदो तुद वस किते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख होआ तित कर अनद वाजे अनद सुनो वड बागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनित कहते पवित सतगुर रे आबर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनित कहते पवित सतगुर रे आबर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावनी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पेयो सत्संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पेयो जिसका सब सदारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुए उदारो ए वस्त जी नह जाई नित नित रख उदारो तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनू जो कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पे होई तरस पे आ मैं रहमत होई सतगुरु सज्जन मिलिया तरस पे आ मैं रहमत होई सतगुरु सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोई नाए ओथे तेरी रख अग्नि उदर माए सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाए पौजल विकम असगा गुर शब्दी पार पाए जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए कल में हो पुन गुन गोविंद गाए सबसे नु कृपाल संभाले साए साए बिरथा कोई न जाए जे आवे तु दयाए श्लोक महला पंजवा अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरु नाओ नेत्री सतगुरु पेखना सर्वनी सुन्ना गुरु नाओ सतगुरु से तीरत्या दरगे पाइये ठाओ कोहना न कृपा करे जिसनु ए वत दे जग में उत्तम काढ़िए बिरले के ही के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हो आप दयाल मनो ना विसारियन साधना के संग पवजल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिनमाए विदारियन तिस साहेब की टेक नानक मने माए जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए तिस साहेब की टेक नानक मने माए जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए वाहिगुरु जी का खालसा
वाहेगुरु जी की फतेह जी। श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन गुरुदेव बंदप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसे गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सतबुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव सतीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आज जुगा जुग जुग गुरुदेव मंत हर जपुद्रा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूल पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। तू ठाकुर तुम पैर दास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरे कृपा में सुख गनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी तुमते होए सो आगे आकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा वाहे गुरु कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाव ना जाने मेरा वाहिगुरु जी। बोलो जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुखरास ताको बिघन ना को लागे जाकी प्रभागे अरदास अरदास एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले त्याए फिरंगत गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद सिमरो श्री हर आय श्री हर किशन जी त्याई जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिये करना निद्यावे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पाचा साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत तन तन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके। बोलो जी वाहे गुरु। पंजा प्यारियां चौहान साहब जातियां चाली मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्हां तेरा नाम जपिया वंड के चखिया देख चलाई देख वाई देख कैंडिट कीता तिन्हां प्यारियां सचारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके। खालसा जी साहिब। बोलो जी वाहे गुरु। जिन्हां सिंघां सिंघियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े तनारियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां दित्तियां सिखी सिदक के सांस स्वासां संग निभाई तिन्हां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके। खालसा जी साहिब। बोलो जी वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दे दर्शन दीदार दा ध्यान करके। खालसा जी साहिब। बोलो जी वाहेगुरु जी। प्रिथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 नाम चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तां तां रचा रहा है देख देख पते फिर की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले। बोलो जी वाहे गुरु। आप जी दे सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु जी। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पदा रखा वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमानियां दे महान सतगुरु नितान अंतान नियोटियां दी ओटियां आसरियां दे आसरे निपत्यां दी पत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज
ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਦਕਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਸ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਈ ਬਾਣੀ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨੋਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਚ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਸੋਧਾ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਤੁੱਟ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਸ਼ਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣੇ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੱਧ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਸ਼ਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਹੋ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਏਗੀ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਸੱਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਮੁੱਖੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਰੋ ਕਰੋ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਨਵਪ੍ਰੀਤੀ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਸ਼ਟ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ,
जो उन्होंने शरीरिक कष्ट आए हुए हैं सच्चे पातशाह जसपीत भैन जी जो दवाई लै रहे हैं आप जी दवाई सच्चे पातशाह आप अपना बख्शिश पर्याप्त रख के उन्हों की दवाई उन्होंने लगाओ ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए सच्चे पातशाह ही अरदास बिनती नित प्रति संगत कर दी है छोटी बच्ची मनरीत कौर जो बोल नहीं सकती उस बच्ची नु सोने बोल बख्शो सच्चे पातशाह जो दो छोटे बच्चे हॉस्पिटल विच मनप्रीत सिंह और जसप्रीत सिंह सच्चे पातशाह उन्होंने बच्चों स्वस्थ करके आप उन्होंने घर भेजो अवतार पातशाह जी चढ़ती कला विच रखो परिवार नु इसी तरह नाम बाणी नाल जोड़ के रखना बच्चा ईशप्रीत सिंह जो मानसिक रोगी है सच्चे पातशाह उन्होंने शरीरिक या मानसिक जो भी समस्या है आप जिन्हें अंग संग सहाई होकर उन्होंने कष्टा का निवारण करना है होर भी संगतां विच जो भी परिवार जिन्हां दी जो भी समस्यावां सच्चे पातशाह बस आप जी की निगाह खली होनी चाहिए है दतार पातशाह सारे कारज अपने आप सुहेले हो जाते हैं दतार पातशाह इसी तरह आप अपनी संगत में एकजुट होके इसी तरह नाम बाली नाल जोड़ के रखना दतार पातशाह जी हो आप जी हुण कृपा करो अपना पवित्र इलाही हुक्मनामा सुना के उपरंत मत दे स्लोक सुना के सच्चे पातशाह जी संगतां नूं कृतार्थ करो अते अपने हुक्मनामे साहिब ते चलन की समर्था बख्शना दतार पातशाह जी रहिंदा नितनेम जो रह गया नितनेम सच्चे पातशाह जी उन्होंने भी करन दी आग्या बख्शना अरदास बेनती करदियां होईयां बेअंत बेअंत भुलां चुकां नूं बख्श लैना मालका आप जी दे बच्चे आप जी ने ही सुमत बख्शनी है दतार पातशाह अखर वादा काटा फुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मिलो जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा पला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी बोले सोने हाल सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी हो आया दूरों चल के मैं तकी तो सरनाई जियो मैं आसा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाई जियो मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुदे आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती मेरा दुख सुख तुद ही पास सो कोटल गुर सेविए एन सो सहज सुभाए दर्शन परसिए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहलाते दुख बिन से सुख पाया दयाल होआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु त्याया प्रभ की शरण सगल पहला थे दुख बिन से सुख पाया दयाल होआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुन गाओ रंग राता राओ सतगुरु नाम निदान दृढ़ाया चिंता सगल बिनासी कर कृपा अपनो कर लीना मन बच्चा बिनासी ताको बिघन न को लागे जो सतगुरु अपने राखे चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस चाखे कर सेवा सेवक प्रभे अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास ता केवल हारे जिन पूरन पैज रखाई कर सेवा सेवक प्रभे अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास ता के बलहारे
जिन पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु जी। सतनाम। जैत श्री मल्ला पंजवां वार सलोका नाल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वरे, सिमरंत संत सर्वत्र रमन नानक अगनासन जगदीशरे। आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वरे, सिमरंत संत सर्वत्र रमन नानक अगनासन जगदीशरे। पेखन सुनन सुनावनो मन में दृढ़िये साच, पूरे ओ सर्वत्र में नानक हर रंग राच। पौड़ी हरेक निरंजन गाइये सब अंतर सोई, करन कारण समरत प्रभ जो करे सो होई। किन मैं थाप उथाप दा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिसे आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिसे आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। बोले सोने हाल साचिया काल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। संगत जी रहरा साहब का पाठ करद अरदास बेनती करद हुक्मनामा साहब लेंद मद भोग पाद हुई बेअंत भुला चुका संगत बख्शन हार जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। गुरु प्यारी सास वाहेगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। संग जी बहुत धन्यवाद जी, बेहद ही शुकराना जी चरण तो बख्शन जी। सारी संगत शुकराना जी सहज पाठ की हाजरी भर रही उदम कर रही उन्होंने सब का शुकराना जी, बहुत शुकराना। संगत जी आज भी कथा की सेवा होगी। एक मिनट करमजीत कौर जी तो आज है नहीं मेरे ख्याल। संगत जी आज कीर्तन की सेवा करेंगे। हाँ जी कीर्तन की सेवा करांगे। जसमीत कौर जी अगर आप जी ने कुछ कल का कुछ जो कुछ बाकी रह गया से कुछ अगर आप जी ने अगर आज शेयर करना है तो आप जी प्लीज कर सकते हो, नहीं तो संगत जी कीर्तन की सेवा करांगे जी। यार सानिया जी आप जी ने माइक दे रहा मैं एक मिनट। निकी जी आप दीदी आप संभालो सेवा, मैं किधर आया हो तो मैं इधर हूं ऑक्यूपाई हो जाऊंगा, मेरी बैटरी भी बड़ी लो है इस टाइम। मैं आप जी होस्ट करता निकी जी। संगत जी कथा भी कीर्तन भी मिला के जिस तरह आप जी ठीक लगे आप जी सेवा निभा लो। रविंदरजीत कौर जी, किरण खरबंदा जी, करमजीत कौर जी, मंजू जी, मम्मी जी, सतविंदर कौर जी, सानिया जी, रविंदर कौर जी, जिस तरह आप जी ठीक लगे आप जी कथा कीर्तन दोनों सेवा कर सकते हो। दीदी आप जी
एक बार ले लो कंट्रोल निकी जी। हाँ जी ठीक। जसमीत जी आप ही कुछ शेयर करोगे? जसमीत कौर जी जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु फतेह। नहीं बजी आज नहीं। अच्छा ठीक। परमिंदरजीत कौर जी आप जी जी सुना सकदी कथा वीर जी? थोड़ा 10 मिनट दे दो मेनू। हां जी 10 मिनट तक कथा सुना सकदी? 10 मिनट तक कर सकदी मैं तैयार। किरण जी आप ही कीर्तन की सेवा शुरू करो। किरण जी तो बाद फिर जिस तरह इस तरह तजेंद्र कौर जी आप जी शुरू करना कीर्तन, फिर अनी देर बाद फिर रविंद्रजीत कौर जी कथा सुनाएंगे। हां जी हां जी ठीक है। तजेंद्र कौर जी किरण जी आप ही शुरू करो। हां जी मैं कर रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। आठ पहर यारा दिए, आठ पहर यारा दिए, पूरन सत गुर ज्ञान, पूरन सत गुर ज्ञान, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। चित घट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा था, चित घट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा था, जम कंकड़ नेड़ नयावे रस नहर गुण गा, जम कंकड़ नेड़ नयावे रस नहर गुण गाव, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। सेवा सुरत न जानिया ना जपिया राग, सेवा सुरत न जानिया ना चापिया रात, होट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगार, होट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगार, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। भय कृपाल गुसाइया नठे सोग संताप, भय कृपाल गुसाइया नठे सोग संताप, तत्तिवाओ न लगई सतगुरु रखिया, तत्तिवाओ न लगई सतगुरु रखिया, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। गुरु नारायण दियो गुरु, गुरु सच्चा सिर जनहार, गुरु नारायण दियो गुरु, गुरु सच्चा सिर जनहार,
गुरु तुठे सब किछ पाया जन नानक सत पलिहार। गुरु तुठे सब किछ पाया जन नानक सत पलिहार। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, मैं बहुत 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 माफी मांगदी हां जे मैं किसी दा दिल दुखाया ते अपने व्यूज देने आया कुछ किसी नाल सवाल कर दिया ते मैं तह दिल तो माफी मांगदी हां। संगत जी मैं माफ कर देना। ਮਨਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੁਝਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਔਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਸ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਤੋੜੀ ਚ ਰੱਖੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਓਗੇ, ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੜੋ ਜੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਜੈ ਪੂਰਬ ਦੇਵਨਾ ਦੀ, ਜੈ ਪੂਰਬ ਦੇਵਨਾ ਦਿੱਚੈ ਪੂਰਬ ਦੇਵਨਾ, ਦਿੱਚੈ ਪੂਰਬ ਦੇਵਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਤਿਸੈ ਕਰੀ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਤਿਸੈ ਕਰੀ ਆਵੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ।
बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, पूरन ताल खटाया, पूरन ताल खटाया, पूरन ताल खटाया, अमृत सर विच जोत जगावे, अमृत सर विच जोत जगावे, उल्टा खेल पिरम दा, उल्टा खेल कसम दा, उल्टा खेल कसम दा, उल्टा खेल कसम दा, उल्टा खेल कसम दा, उल्टे गंगा समुद्र समावे, उल्टे गंगा समुद्र समावे, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, बैठा सोडी पातशाह, बैठा पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, दिता लइए आपना, दिता लइए आपना, दिता लइए आपना, दिता लइए आपना, आन दिता कछ हथ नावे, आन दिता किछ हथ ना आवे, फिर आई कर अर्जने, फिर आई कर अर्जने, फिर आई कर अर्जने, पुत संसारी गुरु कहावे, पुत संसारी गुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, जान दे सो सो, जान दे सा सोडियो, जान दे सा सोडियो, जान दे सा सोडियो, जान दे सा सोडियो, होरस अजर नजरिया जावे, होरस अजर नजरिया जावे, कर की कर ही बात करे कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, धन्नवाद संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु 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 जी का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल की वार, दर्शन दीजे खोल की वार, धर्मा दे ठाड़े दरबार, धर्मा दे
थाड़ी दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे फूल की वार, दर्शन दीजे फूल की वार, धर्मा दे ठाड़े दरबार, धर्मा दे ठाड़े दरबार, तुम तन तनी उदार त्यागी, तुम तन तनी उदार त्यागी, श्रवणन सुनियत सुजस तुम्हार, श्रवणन सुनियत सुजस तुम्हार, धर्मा दे ठाड़े दरबार, धर्मा दे ठाड़े दरबार, मांगो काहे रंग सब देखो, मांगो काहे रंग सब देखो, तुम्ही दे मेरो निस्तार, तुम ही ते मेरो निस्तार, धर्मा दे ठाड़े दरबार, धर्मा दे ठाड़े दरबार, जय दो नामा बेप सुदामा, जय दो नामा बेप सुदामा, तिनको कृपा पई है अपार, तिनको कृपा पई है अपार, धर्मा दे ठाड़े दरबार, धर्मा दे ठाड़े दरबार, कह कबीर तुम समर्थ दाते, कह कबीर तुम समर्थ दाते, चार पदार्थ देत न बार, चार पदार्थ देत न बार, धर्मा दे ठाड़े दरबार, धर्मा दे ठाड़े दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल की वार, 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 वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी, किसी और दी वारी है, मैं कह रहा फिर कलो भैन जी। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु जी ही सच्ची तेरी सिफत, सच्ची साला, सच्ची तेरी सिफत, सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह, सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्ची तेरी सिफत, सच्ची सलाह,
सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लोग सच्चे आकार, सच्चे तेरे लोग सच्चे आकार, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे तेरे करणे सर्ब बीचा, सच्चे तेरे करणे सर्ब बीचा, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे तुद आखे लख करोड़, सच्चे तुद आखे लख करोड़, सच्चे सब तान सच्चे सब जोर, सच्चे सब तान सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, नानक सच त्यायन सच, नानक सच त्यायन सच,
जो मर जमे सो कच निकच, जो मर जमे सो कच निकच, सची तेरी सिफत सची सलाह, सची तेरी सिफत सची सलाह, सची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, सची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी बख्श। पाठ शुरू कर लिए, 7:35 हो गए। देख लो तुसी हो, विचार करने से जाने। प्रीति बहन जी है के ना? प्रीति बहन जी तुसी जे ताड़ा 5-10 मिनट रहते विचार कर लो, नहीं तो फिर पाठ नहीं सकती। फिर थोड़ी जी लंबी हो जाए, नदौन दी जांग है थोड़ी लंबी हो जाएगी, है ना? 10 मिनट लगेगा। जी वाहेगुरु जी, मेरे ख्याल कोई और संगत भी कह रही थी साकी शेयर करने वास्ते, मैंने याद नहीं। मेरे ख्याल तो और कोई नहीं सी बहन जी। ठीक है, ठीक है, सुना दें मैं साकी, 10 मिनट लगनगे मेनू लग रहा है। 10 मिनट ठीक है, 10 मिनट सुना दो बहन जी, सुना दो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, पिछे असी पंगाणी दे युद्ध बारे पढ़िया सुनिया सी। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨੰਦੌਣ ਦਾ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੈਣ ਜੰਮੂ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਲਫ ਖਾਂ ਨੂੰ ਨਦੌਣ, ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਪਾਸੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਅਲਫ ਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜਦਾਰ ਮੀਆਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਅਲਫ ਖਾਂ ਨੂੰ ਨਦੌਣ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ। ਅਲਫ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਏ ਪਾਸ ਨਦੌਣ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਲਫ ਖਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕੁਛ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਅਲਫ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਉਪਰੰਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਟਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਫ ਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਦੌਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ।
ਨਦੌਣ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਅਲਫ ਖਾਂ ਨੇ ਮੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਲਫ ਖਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਪਾਸੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਅਲਫ ਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਲਫ ਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਉਸਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫ ਖਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਲਫ ਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਸ਼ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਅਲਫ ਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਲਫ ਖਾਂ ਵੱਲ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਾਜ ਨਿਰਪ ਹਮੇ ਬੁਲਾਇਓ, ਆਪ ਤਵਨ ਕੀ ਔਰ ਸਦਾਇਓ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਹਾਈ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲੀਆ, ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਸਵਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਟੋਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਡੱਡਵਾਲੀਆ, ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਤਾਰਪੁਰ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜਸਰੋਟੀਆ, ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਸਰੋਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਸਵਾਲ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਦੌਣ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨਦੌਣ ਨਵਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਵਰਗਾ ਬਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਲਫ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵਰਸ ਰਾਮ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਵਰਗਾ ਬਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਅਲਫ ਖਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ੀਘਰ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਬੈਰੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਕਾਠ ਕਿਲੇ ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਥਾ ਉਕਤ ਜਦ ਸਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੜਾਤੜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਕਿ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਉੱਠੀ, ਲੋਥ ਤੇ ਲੋਥ ਚੜ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਬੇ ਭੀਮ ਚੰਦੰ ਕਿਉ ਕੋਪ ਆਪੰ, ਹਨੂਮਾਨ ਕੇ ਮੰਤਰ ਕੋ ਮੁੱਖ ਜਾਪੰ, ਸਭੇ ਵੀਰ ਬੋਲੇ ਹਮੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇੰ, ਤਬੇ ਢੋ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋ ਨੀਕੇ ਸਦਾਇੰ। ਜਦ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਕੁਛ ਭੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰੇ ਚ ਆਣ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਲ ਧਾਰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਬਿਜੜ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਨੇਜਿਆਂ ਭਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜੇ ਢੋਲ ਧੌਂਸੇ ਅਤੇ ਨਫੀਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਸਾਜ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਟਾਵੱਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਮੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਗਏ। ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਲਾਹੂਲ ਤੇ ਕਟਾਵੱਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜੜ ਵਾਲੀਏ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਕਟੋਚੀਏ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਬੈਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਜਦ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਡੱਡ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਏ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿਆਲ ਬਿਜੜ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੰਘੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲ ਬਿਜੜ ਵਾਲੀਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਏ ਅਲਫ ਖਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਅਲਫ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਦਿਆਲ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੰਮੇ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਵੰਗ ਕੀਟ ਤੋਲੋ ਦੁਫੰਗੰਗ ਸੰਭਾਰੋ ਹਿਰਦੇ ਏਕ ਰਵੰਤ ਕੇ ਤੱਕ ਮਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਆਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣ ਚਲਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਰਛ ਦੇ ਟਾਣ ਵਾਂਗ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਰਿਓ ਝੂਮ ਭੂਮੇ ਕਰਿਓ ਯੁੱਧ ਸੁਧੰਗ ਤਉ ਮਾਰ ਬੋਲੀਏ ਮਹਾਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧੰਗ। ਦਿਆਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਆਸਾ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੋਕ ਹੋਇਆ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਢੱਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਤੜਾ ਤੜ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਸਾਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਧਨੁਕ ਬਾਣ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 4 ਤੀਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ 3 ਤੀਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 7 ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੈਰੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਂਜ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੈਰੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਹਾਰ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਅਲਫ ਖਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਏ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਸਹਿਤ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਗਾਰਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਨਾ ਅਜੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਲਫ ਖਾਂ ਆਦਿਕ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਈ ਰਾਤਰੀ ਗੁਵਾਰ ਕੇ ਅਰਧ ਜਾਮੰਗ ਤਬੇ ਸ਼ੋਰ ਗੇ ਬਾਰ ਦੇਵੇ ਦਮਾਮੰਗ। ਸਭੇ ਰਾਤਰੀ ਬੀਤੀ ਉਦਯੋਧ ਉਸ ਰਾਣੰਗ ਚਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਰ ਚਲਾਕ ਖਗੰਗ ਖਿਲਾਣੰਗ ਭਜਿਓ ਅਲਫ ਖਾਨੰਗ ਭਜਿਓ ਅਲਫ ਖਾਨਨ ਖਾਨਾ ਸੰਭਾਰਿਓ ਭਜੇ ਔਰ ਬੀਰੰ ਤੀਰੰਗ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਦੀ ਪੈਦਿਨ ਆਸਟ ਕੀਨੇ ਮੁਕਾਮੰਗ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਦੇਖੇ ਸਭੇ ਰਾਜ ਧਾਮੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟਿਕ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਨੰਦੌਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਦਿ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਰਾਮ
राम सिंह जसवाली है, राजा पृथ्वी चंद जड वाली है, राजा सुखदेव जसरोटी है, ये चौथे से गुरु गोबिंद सिंह जी। दूसरे पास अलफ खान के नाल सहायक राजे से कृपाल चंद कटोचिया, दयाल चंद बिजड़ वाली है। राजा भीम चंद वालों तो कोई नामी योद्धा नहीं मरिया, अलफ खान वालों राजा दयाल चंद बिजड़ वाली है गुरु जी की बंदूक के निशाने मरिया, होर सैनिक दोहां पासियां वालों बहुत मरे। नतीजा की होया कि अलफ खान हार के नस गया अते भीम चंद की गुरु जी की सहायता नाल जित हो गई। इस तो जिथे भी बाई धार के राजे इकट्ठे होंगे या कि युद्ध वार्ता का वर्णन होंगे तो सारे एक जवान होकर सतगुरु जी की बहादरी की शलाघा करते, इतों तक आपस में एक दूजे को कहते कि गुरु जी का आप लड़ना तो कित रहा, जो उन्होंने नाम भी युद्ध में लै लवे तो उसकी फतेह होंगी है, उन्होंने अपने अगे कोई योद्धा नहीं ठहर सकता, जित की देवी उन्होंने ही प्राप्त होंगी है, इत्यादि को बहुत बहुते तो बहुते बैरियां की परवाह नहीं करते। जब सतगुरु जी को पता लगा कि भीम चंद ने राजे कृपाल चंद नाल सुलह कर ली तो आप जी ने फरमाया इन्हों पहाड़ियां पत्थर पूजा करने वालों की बुद्धि भी पत्थर वांग कठोर है, पत्थर भावे किन्ना चिर पानी विच रखिए वो कठोर ही रहिंदा है, ये मनमुख पहाड़िए वैसी ही कठोर बुद्धि वाले मतलबी ने, मतलब तो बिना एक किसी के मित्र नहीं हैं। इस तरह सतगुरु जी वार्तालाप करते हुए आनंदपुर चले आ रहे सन कि रस्ते विच एक पिंड अलसून नाम का आया, जब उन्होंने गुरु जी के धौंसे की गूंज सुनी तो वह वेखण वास्ते पिंड तो बाहर निकल आए। सतगुरु जी ने सतगुरु जी ने ना तो उन्होंने नमस्कार की ना ही कोई भेट अर्पण की, सगों उच्चे थां ते खड़े होके हसते रहे। उन्होंने ये कमत्ती वेख के सतगुरु जी ने दीवान नंद चंद ने हुक्म किया कि इस पिंड नूं लुट लवो, जे कोई अड़े तो उन्हूं मार दिओ। बस हुक्म की देर सी, सब योद्धिआं ने पिंड विच वड़ के पिंड का माल डंगर नकदी ते अनाज आदि सब लुट लिया, जो भी अड़िया उन्हूं पार बुलाया ते जिसने माफी मंग ली उस नूं छड़ दिता। इउं सतगुरु जी अपने योद्धिआं नूं आनंद प्रसन्न लैके आनंदपुर विच आ गए। संगत जी अज सी नंदौण दा जंग, इस तों अगे हुण असीं कल पढ़ांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। श्लोक गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेसरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंद पसहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोधरा गुरदेव सां सतबुद मूरत गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरज्ञान मजन परंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पते पवित करा गुरदेव आदि जुगाद जुग जुग गुरदेव मंत हर जापुदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा मूढ़ पापी जित लागतरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्करा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा मूढ़ पापी जित लागतरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्करा। तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज शस्त्र नाम माला एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अथ श्री शस्त्र नाम माला पुराण लिखे ते श्री भगवती जी सहाय पातशाही दसवीं दोहरा सांग सरोही सैफ अस तीर तुपक तलवार सतरंत कव चांत कर करिये रच हमार अस किरपान तारा तरी सैल सूफ जमदाड़ कव चंतक सतरांत कर तेग तीर तरवाड़ अस किरपान खंडो खड़ग तुपक तवर अर तीर सैफ सरोही सहथी यह हमारे पीर तीर तू ही सहथी तू ही तवर तलवार नाम तिहारो जो जपे पे सिंध पव पार काल तू ही काली तू ही तेग अर तीर तू ही निशानी जीत की आज तू ही जगवीर तू ही सूल सहथी तवर तू निखंग अर बान तू ही कटारी सेल सब तुम ही करद किरपान शस्त्र अस्त्र तुम ही सपर तुम ही कवच निखंग कवचंतक तुम ही बने तुम व्यापक सर्वंग
श्री तू सब कारण तू ही तू विद्या को सार तुम सबको पराज ही तुम ही लिहो उवार तुम ही दिन रजनी तुम ही जी अनुपाए कौतक हेरन के नमित तिन मो बाद बढ़ाए अस किरपान खंडो खड़ग सैफ तेग तरवार रच करो हमरी सदा कब चंतक करवार तू ही कटारी दाड़ जम तू बिछो अरबान तो पत पद जेली जिये रच दास मोह जान बांक बजर बिछुओ तू ही तवर तरवार तू ही कटारी सहथी करिए रच हमार तुम ही गुर्ज तुम ही गदा तुम ही तीरथ फंग दास जान मोरी सदा रक्षा करो सर्वंग छुरी कलम रिप करद पन खंजर भुगदा नाय अर्ध रिजक सब जगत को मोहे तुम लिहो बचाए प्रथम पावो जगत तुम ही पंथ बनाए आप तू ही चगरा करो तुम ही करो सहाय मच्छ कच्छ बरा तुम बावन अवतार नार सिंह बौदा तुही जगत को सार तुही राम श्री कृष्ण तुही बिशन को रूप तुही प्रजा सब जगत की तुही आप ही पूप तुही बिपर शत्री तुही रंग के अर राव श्याम दाम यार डांड तुम ही भेद उपाओ सीस तुही काया तुही तै प्राणी के प्राण तै विद्या जग बख्तर होए करे बेद बख्यान बस एक बान तन खागर पन सर कै बरजे नाम तीरख तंग तता रचे सदा करो मम काम तैनी राले शतर यार मिर्गंतक ससबान तुम बैरन प्रथमे हनो बहरो बजे किरपान तुम पाट सपासी परस परम सिंध की खान ते जाके राजा पे दी तब जे बरदान सीस शतर यार यास खंडो खड़ग किरपान शकर श्रेसर तुम कियो पगत आपनो जान जम तर जम दाढ़ा जबर जोदन तक जे नाए लूट कूट लीजत तिने जे बिन बांधे जाए बांक बजर विश्व बिसेक बिरह बान सब रूप जिनको तुम कृपा करी पे जगत के पूप शस्त्र शेर सम्रांत कर सिपरार शमशेर मुक्त जाल जम के पे जिमे कहो एक बेर सैफ सरोही शतर यार सारंगार जे नाम सदा हमारे चित वसो सदा करो मम काम सैफ सरोही शतर यार सारंगार जे नाम सदा हमारे चित वसो सदा करो मम काम इत श्री नाम माला पुराणे श्री भगवती उस्तत प्रथम त्याय समाप्तम सत शुभम सत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी मंजरी तुसी चौपाई साहब कर लो ते कल सानिया जी ने कीर्तन सोहला दी वारी मंगी सी तो सोहला साहब कर लेंगे। वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी देखूंकार सतगुर प्रसाद कबैयो बाच बिनती चौपाई चौपाई साहब हमरी करो हाते रच्छा पूरन होए चित की इच्छा तब जनन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम गावो आप हाथ ते मोहे बचाओ सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज करते करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न ध्याऊं जो पर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उगरिए मरण काल का त्रास निवरिए हुजो सदा हमारे पच्छा श्री असुचो करे हो रच्छा राख लो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंधु तुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता
काल पाए ब्रह्मा बकुदरा काल पाए शिव जीव अवतरा काल पाए कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबत कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत चीटी ते कुंचर अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचाने घट घट के पट पट की जाने जब उदकरक करा कर तारा प्रजा दरत तब देह अपारा जब आकरक कर तुम कबू तुम्हें मिलत दे तर सब जेते बदन सी सब दारे आप अपनी बोझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्भिकार निर्लंब आद अनिल अनाद संभ ताका मूड उचारत बेदा जाको वेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महा मूड तुझ बेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत ने भी आप अपनी बुधे जेती वर्णत बिन बिन तो ही देती तुमरा लखा न जाए पसारा के विद सजा प्रथम संसारा एक है रूप अनूप स्वरूपा रंक बेओराव कई भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्बुज खान बहु रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट बेओ शंकर कैठा सगरी सिस्ति खाई अचंभो आद जुगाद अवरक्षा मेरी तुम करो से कुबार ऐसे संगरो दुष्ट जीते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रन गाता जे असी दुई तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखी थे मरे पूरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब ठारे जो कल को इक बार दे हैं थाके काल निकट निये हैं रक्षा होए ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट तत्काला कृपा दृष्टन जाहे नहरे हो ताके ताप तनिक मोहरे हो सिद्ध सिद्ध गर्मो सब होए दुच्छा सह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल पास ते ताही उबारा जिन नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोखते रहा कड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सरब ठोर में हो सहाय दुष्ट दुख तेले हो बचाए कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुग्राता किल्बिक सकल देखो हरता दुष्ट दोखियन को छे करता सीरियस दुज भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बाचत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई मन बाचत पल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो याय सो रस न पावे सुने मूड चित लाए चतुरता आवे दुख दर्द बे निकट न तिन नर के रहे हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस बनी जय अरत सहस पुन तीन कही जय भाद्रो सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा वाहेगुरु जी स्वयं पाए कहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब वो वेद कहे हम एक न जान्यो सीरियस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के कहो तुहारो द्वार वाहे गहे की लाज असे गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार वाहे गहे की लाज असे गोविंद दास तुहार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सोहला साहेब राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरता किए करते का होए बिचारो प्रीत कर गावो सोहला सिवरो सिर जनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोले सोहला हवारी जित सोहले सरा सुख रहाओ
नित नित जड़े समालियन देखेगा देवन हार तेरे दान है कीमत ना पवे तिसा ते कौन समार संबल सा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजड़ सीसड़िया जो होवे साहेब से मेल तर करे हो पहुंचा सदरन नित पवन सदरन हारा सिमरिये नानक से दे आवन रागा सावला बेला छह गर छह गुर छह उपदेश गुरु गुरे गोवे सनेक बावा जगर करते कीरत हुए सोकर राग बढ़ाई तो रहाओ विश्व जस्य कड़िया पैर तिती वारी माह हुआ सूरज को रुतन एक नानक करते के ते वेस रक्त नसरी मल्ला पहला गगन में थाल रव चंदी पग बने तार का मंडल जनक मोती धूप मंदियालो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पखंडा तेरी आरती अनहता सबत वाजंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नैन है तोय कहो सहस मूरत नायक तोय सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध एव चलत मोही समय ज्योत ज्योत है सोय तिस से चानन समय चानन होय गुर साखी ज्योत प्रगट होय ज्योतिष पावे सो आरती होय हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोह आए प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पुल मला चौथा काम क्रोध नगर पौ परिया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर ले मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वटा है जो जो चले चुभे दुख पावे जम काल सहर से डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पाव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सो खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राग वट बड़ा है जन नानक नाम धार टेक है हर नामे सुख मंडा है राग गौड़ी पुरी मला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहा काट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला दिन सुनैना रे मन गुर मिल काज सवारे रहो यो संसार बेकार संसे में तरो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे और रस कत कता तिन जानी जाको आए सोई विहाज्यो हर गुरु ते मने बसेरा निज घर मैल पाओ सुख सहजे बहर न होए गो पेरा अंतर जामी पुरख बेराते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास इह सुख मांगे मुख कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख बिधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास इह सुख मांगे मुख कर संतन की तूरे तनासी मल्ला पंजो आपकी कड़ी देख आपकी कड़ी न देखन दे अपना व्रत संभाले हाथ दे राखे अपने को सांस सांस प्रत पाले प्रभ से लाग रहे हो मेरा चीत आदन प्रत सदा सदा, सदा सहाय तन हमारा मित्र हाओ मन विलास पे साहेब के अचर देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद करनक पूरा पूरन पैज रखाई श्लोक
सर्व सुरक्षा पार ब्रह्म सकाय रक्षा परमेश्वरे आत्म रक्षा गोपाल स्वामी धर्म चरण रक्षा जगदीश्वरे सर्व रक्षात गुरुदयाले पैर दुख विनाश ने भगत वचल नाथ नाथे शरण नानक पुरख अच्युत को दुख्यन अनेक हत्यन जन्म दारिंद्रन महाभिख्यान मिटंत सगल विसमरंत हर नानक हर नाम नानक जैसे पावक का सट पस मंग करोत सोरठ महला पंजवा गुरु का सब रखवाले चौके चौके चौगर हमारे राम नाम लगा जमला जाए कर पागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता वंदन काट करे मन निर्मल पूर्ण प्रभिता तरहा ओ नान प्रभ ना सीता की सेव न बिठी जासी अनंत करे तेरे दासा जब पूर्ण होई आसा मिला मल्ला पंजवा ताती वान लगे पार ब्रह्म सरनाई चौगे तुम्हारे राम का दुख लगे न पाई सबको पूरा पेटिया जो जिन बड़ बनाई राम नाम खत्या एक कले बनाई राम राख लिए तिन राखन हार सब याद मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रपय सहाई सलो जैसा दुख बिन भजन की तनारक नी ना हो ना तू ना छुटे निकट न जायो दूत श्लोक महला पंजवा मन में चित व चित बनी उदम करो नीत हर कीर्तन का आहरो हर देव नानक के मीत गौड़ी गुरार महला पंजवा जाके वस काल सुल्तान जाके वस सकल जहां जाका किया सक चोए तिस्ते बार नाई कोए कहो बेनंती अपने सतगुर पाए काज तुम्हारे दे निभाए रहा सत्य ऊजा का दरबार सगल भगत जगल सगल भगत जा का नाम आधार सरब्यापर पुरंदनी जाकी शोभा कटकट बनी जिस सिमरत दुख डेरा टहे जिस सिमरत जम किछ ना कहे जिस सिमरत होत सूखे हरे जिस सिमरत डुबत पाहंत रहे संसभा को सदा जयकार हर हर नाम जन प्राण धार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मको नाम निवास कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मको नाम निवास वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सलो गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वर गुरुदेव सख्या ज्ञान भंजन गुरुदेव बंदिप सहोदरा गुरुदेव दाता नाम देश गुरुदेव मन निरुद्रा गुरुदेव सत सांस गुरु गुरुदेव परस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान भजन परंपरा गुरुदेव करता सपा फरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आ जुगा जुग जुग गुरुदेव मंथर चपुद्रा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तुझे आके यार दास हमारी विजी हो जीव पिंड सब तेरा वाहेगुरु कहो नानक सा वीर जी आप हो तो अरदास कर दो वीर जी अच्छा वाहेगुरु जी वाहेगुरु जीओ पेंट सब तेरा कहो नानक तेरी वडियाई कोई नाम ना जाने दिला इन्हें दान दो घंटा सुपास सां को बिगड़ न कहूँ ना कि जाकी पर बांधे पास अरदास एक ओंकार श्री वाहि जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पाशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए फिरंगत गुर ते अमरदास नाम दासे हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद सिंह श्री हर राय
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਹਾਈਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ ਕਰ ਨੌਨੀ ਦੇ ਆਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਸਭ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸਜਵਾਏ ਕਥਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੇ ਜਾਗਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀ ਦਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੁਫੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬਜਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਮੇਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਚਰਨ ਤੁਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ